हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है एक्सपायरी डे, मार्केट क्लोज हो चुका है। तो क्या करेंगे, कल है फ्राइडे, मार्केट कैसे जाने वाले वो देखेंगे, और आज के मार्केट से हम क्या सीख सकते हैं और कहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है या लॉस बुक किया वो सब कुछ देखेंगे। ओके, तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर सभी वीडियो का आपको टाइम टाइम मिल पाए। और गाइस हम जैसे कि हर रोज़ मैं आपको बताता हूँ प्रीमियम ग्रुप में कितना प्रॉफिट बुक किया, तो आज नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आज प्रीमियम ग्रुप में जो प्रॉफिट दिया था वो काउंट अभी तक नहीं किया मैंने, कुछ बिजी हूँ इसलिए डायरेक्ट वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। तो अगर आपको जानना है तो डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फटाफट वापस जाओ, ज्वाइन हो जाओ और देखो हमारे एनालिस्ट के हिसाब से मार्केट ने कैसा काम किया, कौन कौन से कॉल्स पे हमने काम किया, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। भाई वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, कुछ डाउट वगैरह होगा तो मुझे बताना। तो मार्केट ने आज कैसा है मूवमेंट किया है, देखो सबसे पहले ह्यूज गैप अप मूवमेंट में मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक देखो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद बुलिश कैंडल फॉर्म किया है, और फॉर्म करने के बाद यहाँ पर जो जितने भी बायर्स लोग हैं सबका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और उन लोगों ने क्या किया है, प्रॉफिट बुकिंग किया है। मतलब जो भी लोग यहाँ पर बाई करके रखे थे, यहाँ पर बाई करके रखे थे या यहाँ पर बाई करके रखे थे, उन लोगों को यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक मिल गया था, इसलिए वो लोग एग्जिट कर गया थे। इसलिए यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है ये फर्स्ट कैंडल में। इसके बाद मार्केट का मूवमेंट कैसा था, तो बस इसके बाद मार्केट ऊपर गया था। ओके, बुलिश पिन बार बनाकर हल्का सा पुल बैक लिया, लेने के बाद सीधा ऊपर की तरफ गया, और हमने ट्रेड कैसे लिया ये बताते हैं आपको अभी। ओके, तो हमने क्या किया, जब डे हाई था ये, ओके डे हाई ब्रेक लेने के बाद हमने एंटर किया। डे हाई को जब ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने, तब हमने इस कैंडल पर एंटर किया, और यहाँ से यहाँ तक 35,400 जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ तक हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। जब डे लो है, डे लो ब्रेक करने के बाद आप ट्रेड ले सकते थे क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉटम जैसा कुछ बनाया था। इसके बाद सीधा इसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद हल्का सा पुल बैक लेकर थोड़ा सा बोले था, और मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। ओके, तो कल क्या कर सकते वो देखते हैं। आज के हिसाब से तो हमारा प्रॉफिट हो गया है। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉफिट हर रोज चाहिए तो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, मिनिमम सब फीस है, पे करके मैक्सिमम प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। हर रोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीमियम ग्रुप का, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो कल हम क्या कर सकते हैं, अगर ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दें, हम जो पहले के खींचा हुआ ट्रेंड लाइन था इसको अगर एक्सटेंड कर दें, और डेली टाइम फ्रेम पर जाकर एक बार चेक कर लेते हैं आज का जो कैंडल है कौन कैसा कैंडल फॉर्म हुआ है। एक बार हाइड कर लेते, ओके आज का जो कैंडल है देख सकते हैं गैप अप ओपन हुआ और बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ। ओके, और नीचे ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आता है मार्केट तो दोबारा सेलिंग साइड के लिए आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलो 15 के चार्ट पे चलते हैं, आपको बता देते हैं। तो इस सेल को मैं अब लाऊँगा यहाँ पर। ओके, तो इस सेल को ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा तो आप सेलिंग साइड के लिए जाओगे, और अगर आपको बाय करना है तो क्या करोगे, नेवडन यहाँ पर ही हो जाएगा, टेंशन मत लेना। इस लेवल के ऊपर बाय करोगे क्यों, अगर मार्केट ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है तो बाइंग साइड के लिए जाओगे, और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा तो सेलिंग साइड के लिए जा सकते हो। फर्स्ट अगर आपको यहाँ तक देखने को इजीली मिल जाएगा। ओके, चलो 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। नेवडन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो इस रेंज के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेना है, और मार्केट ओपन भी होगा गैप अप या गैप डाउन। এখন জাপি কি বিশ্বান হুমা মে শুন জাপি কি আছে বিশ্বান হুমা মে শুন ও তে পুত থাকবো বাইর আরে এটা থাকবো বরষুণ বতর সৰু বিশ্বায় হা সিজব মেলব একমাহ টাইম আছে
होएगा ऐसे भी चलते निफ्टी की तरफ। तो आगे है निफ्टी में, तो निफ्टी में हमने ट्रेड कैसे लिया, हमने एक्चुअली निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया बट जो लेवल से वो ड्रॉप करके रखा था। तो निफ्टी भी ह्यूज गैप अप ओपन हुआ था, ओपन के बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद यहाँ पर भी बुलिश कैंडल बुलिश पिन पर से कैंडल फॉर्म हुआ है, उसके बाद मार्केट हल्का सा पुल बैक आया, ओके आने के बाद सीधा ऊपर गया और धीरे 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 मार्केट नीचे की तरफ आया। तो हमने यहाँ पर ट्रेड कैसे लिया था, हम 10:15 तक एक स्ट्रेटजी मेरा ओके सॉरी मेरा नहीं है मतलब मैंने बना कर रखा है, 10:15 तक क्या करते हैं हम एक रेंज बनाते हैं ओके 10:15 तक जो हाई और लो क्रिएट करता है वो हम रेंज ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद अगर ये रेंज ज़्यादा वाइड होता है तो हम क्या करते हैं, अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर नीचे आता है तो हम सेलिंग साइड के लिए आते हैं, और अगर सपोर्ट से रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ जाता है तो बाइंग साइड के लिए हम जाते हैं। और आज यहाँ से रिवर्सल आया है, रिजेक्शन लेकर नीचे आया, तो यहाँ से यहाँ तक हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे बट हमने तो लिया नहीं, और यहाँ पर लास्ट टाइम में एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी आया था। तो ये चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर जाओ देख लो, तो डेली टाइम फ्रेम पे जाकर एक बार चेक कर ले कौन सा कैंडल आज फॉर्म हुआ है, उसके बाद बाकी आपको एनालाइज करके देते हैं ओके। तो देखो आज का ये कैनल फॉर्म हुआ है, अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो बाइंग साइड के लिए जाएंगे, और आज का जो लो है लो को ब्रेकडाउन करके नीचे जाएगा तो सेलिंग साइड के लिए जाएंगे कल नो डाउट। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर वो बच करके देते हैं। सबसे पहले मैं फीबो को प्लॉट करते आज के हाई से लो तक ओके, क्योंकि जो लोग आज यहाँ पर सेलिंग किए होंगे उनका 50% जो प्रॉफिट है वो ख़त्म हो गया है ऑलरेडी ओके। तो कल आप इस पॉइंट के ऊपर भी बाय कर सकते हो। तो चलो मैं इस लेवल्स को रिमूव कर लेता हूँ, तो इसको यहाँ पर लाते हैं, ये सब कुछ रिमूव कर देते हैं, लेवल्स कल का ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाय अब कब करोगे, इसको हल्का सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ ओके। चलो तो देखो आपको एक मैं ड्रॉ करके दे दिया, इस रेंज के अंदर अगर आपको ट्रेड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं अपडेट करूँगा कैसे ट्रेड लेना होगा। बाकी इसके ऊपर बाय करना है, इसके ऊपर बाय करना है, इसके नीचे सेल करना है, और यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो रिवर्सल ट्रेड लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मैं आसानी से आपको समझा दिया है, कुछ डाउट वगैरह है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो ओके। तो जितना हो सके सिंपल वैसे ही मैं समझा दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मार्क करके, बाकी कोई भी इंडिकेटर वगैरह यूज़ तो नहीं किया। तो फिर भी कुछ डाउट होगा तो पूछना, अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो 1 लाख जरूर करना, आपका 1 लाख मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर में सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर